हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। हमारा ऑप्शन है ए 14 हड्डी, बी 10 हड्डी, सी 6 हड्डी, डी 302 हड्डी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 हड्डी। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान किसने लिखा था। हमारा ऑप्शन है ए गांधी जी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी भगत सिंह, डी सरदार पटेल। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है ए बकरी के, बी शेरनी के, सी हथनी के, डी गाय के। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हथनी के। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा खेती होती है। हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी भारत में, सी जापान में, डी चीन में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन में। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है। हमारा ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा ऑप्शन है ए मेसिडोनिया में, बी जापान में, सी इंग्लैंड में, डी रूस में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेसिडोनिया में। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। हमारा ऑप्शन है ए भारत का, बी फ्रांस का, सी ब्रिटेन का, डी जापान का। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन का। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी कानपुर, डी मुंबई। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। हमारा ऑप्शन है ए बोधगया में, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में, डी सारनाथ में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बोधगया में। दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, इंडिया गेट भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारा ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी दिल्ली में, सी राजस्थान में, डी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली में। दोस्तों, हमारा ग्यारहवां प्रश्न है, गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी गोदावरी नदी, सी मंडोवी नदी, डी गंगा नदी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मंडोवी नदी। दोस्तों, हमारा बारहवां प्रश्न है,
पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए 4 मार्च 1951, बी 14 अप्रैल 1951, सी 6 दिसंबर 1951, डी 20 जून 1951। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जून 1951। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, मोदी जी किस जात के हैं? हमारा ऑप्शन है ए घांची, बी तेली, सी यादव, डी बनिया। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घांची। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, मुकेश अंबानी का एक दिन का खर्च कितना है? हमारा ऑप्शन है ए 5 करोड़, बी 7 करोड़, सी 10 करोड़, डी 2 करोड़। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 करोड़। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम के नेता थे? हमारा ऑप्शन है ए नाना साहब, बी मंगल पांडे, सी मौलवी लियाकत अली, डी तात्या टोपे। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है। हमारा प्रश्न है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।